दिमाग का जो 40% हिस्सा होता है उसका कलर होता है ग्रे, और जो 60% हिस्सा होता है उसका कलर होता है व्हाइट। और ये जो ग्रे कलर के पार्ट होते हैं इसमें न्यूरॉन होते हैं जो संचार का काम करता है। ब्रेन और माइंड ये दोनों अलग अलग चीज है। हमारे इस मन को दिमाग की कौन सी पार्ट कंट्रोल करते हैं ये अभी तक साइंटिस्ट ने खोज नहीं पाए। अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और अब आपको कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब भूल गए हो, बल्कि शराब पीने के बाद हमारे दिमाग नया कोई चीज को याद ही नहीं रख पाता। हमारी ब्रेन का मेमोरी अनलिमिटेड होते हैं। कंप्यूटर की तरह ये हमें कभी भी नहीं बोलेगा कि आपका मेमोरी फुल हो चुका है। तो जिंदगी में अपने मेमोरी को जितना भी फुल कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर हम किसी इंसान को दिल से पसंद करते हैं और वो हमें इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसे चोट लगने पर हमारे दिमाग को होते हैं। जिस घर में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं उस घर की बच्चों के दिमाग पर इसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ते हैं और वो बच्चे इन फ्यूचर में कभी कभी ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक फालतू काम करते हैं तब आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो हमारे दिमाग सभी प्राणी के दिमाग से बड़ा है। उदाहरण की तौर पर हाथी के दिमाग के आकार उनके शरीर के कंपैरिजन में 0.15% होते हैं, जबकि मनुष्य का 2%। हमारे दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ते रहते हैं, उसके बाद ये सिकुड़ने लगते हैं। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 20 वाट तक बिजली पैदा करता है जो कि एक बिजली के बल्ब को भी जला सकते हैं। हमारे दिमाग 75% से ज्यादा पानी से बना होता है। आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुंचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। सर्जरी से हमारा दिमाग को हटाया जा सकता है और इससे हमारी याददाश्त पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पढ़ने से और लिखने से बच्चों के दिमाग ज्यादा विकसित होते हैं। जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग यूज करते हैं। आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, जबकि दिमाग के लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। आपके दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 तक विचार आते हैं। दिमाग के आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई असर नहीं डालता। एक जिंदा दिमाग बहुत ही नर्म होते हैं और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगर दिमाग को 4 मिनट से 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट से 10 मिनट तक अगर इसे ऑक्सीजन ना मिले तो यह डैमेज हो सकता है। हमारे दिमाग में 1 सेकंड में लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे दिमाग शराब पीने के लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं और हमें नशा होने लगता है। हमारे दिमाग के 60% हिस्सों में चर्बी होते हैं, इसलिए ये शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि पुरुष और महिलाओं के ब्रेन का बनावट अलग अलग होती है। वजन के हिसाब से अब तक सबसे भारी दिमाग एक रूसी लेखक का था। उसके दिमाग का वजन लगभग 2.5 किलो था और उसकी मृत्यु 1883 में हुई थी।